सीटीडी पंजाब की बड़ी कार्रवाई, कलदम जमात दावा के अमीर हाफिज सईद गिरफ्तार। जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल हाफिज सईद एटीसी में जमानत के लिए गुजरांवाला जा रहे थे। कलदम जमात के सरबरा पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत समेत कई मुकदमा दर्ज हैं। वीडियो बनाने वाला मुलजिम मियां तारिक गिरफ्तार। मुलजिम को सिविल जज शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम तारिक महमूद का दो रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जज अरशद मलिक की लाहौर हाईकोर्ट में वापसी का मामला। वजीर कानून के बैरून मुल्क दौरे पर होने की वजह से जज अरशद मलिक को वापस लाहौर हाईकोर्ट ना भेजा जा सका। वजीर कानून दो हफ्ते के लिए बैरून मुल्क दौरे पर है। जज अरशद मलिक इस दौरान वजारत कानून को रिपोर्ट करते रहेंगे। भारतीय जासूस की किस्मत के फैसले में 6 घंटे रह गए। आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण केस का फैसला आज सुनाएगी। पाकिस्तान और भारत की नजरें आलमी अदालत इंसाफ पर लग गईं। पाकिस्तानी कानूनी टीम अटॉर्नी जनरल की कयादत में हेग में मौजूद। फैसला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने केस का फैसला 21 फरवरी को महफूज किया था। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2018 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर और राह के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। गिरफ्तार भारतीय जासूस ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का एतराफ भी किया, जिसके बाद फौजी अदालत ने राह के एजेंट को सजाए मौत सुनाई थी। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के पेशावराना उमूर पर भी मुशावरत की गई। शहादतें कमजोर होंगी तो मुलजिम बड़ी ही होंगे। मुकदमात में अब किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने वीडियो लिंक के जरिए क्वेटा रजिस्ट्री से समाप्त की। समाप्त के दौरान रिमार्क्स में कहा, मॉडल कोर्ट्स की वजह से 10 इजला में कत्ल के मुकदमात की तादाद 0 हो चुकी है। आइंदा 1 माह में 50 इजला में कत्ल के जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 0 हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, मुख्तलिफ रेफरेंसेज और इंक्वायरियों की मंजूरी का इम्कान। चेयरमैन नैब का कहना है कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। बदउनवानी एक नासूर है जो तरक्की में रुकावट है। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफा 144 का नफाज आज से ही होगा। लाउड स्पीकर पंपलेट तकसीम करने, वॉल चॉकिंग पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश इज्तिमा मजालिस और रैलियों पर भी पाबंदी होगी। एबीआर के नॉन फाइलर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। विफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन को सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की हिदायत। 2 अगस्त तक तमाम मुलाजमीन को रिटर्न जमा कराने की हिदायत। अपोजिशन जमातों का राजा जफरुल हक के चैम्बर में इजलास। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर मुशावरत। जफरुल हक कहते हैं 23 जुलाई तक सेनेट का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी, कोई कमी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोर्ट अब्दुल मालिक में छत गिरने से माँ बाप और 5 बच्चों की हलाकत पर हर आंख अश्कबार। मलबे तले दबकर जान बहक होने वाले मियां बीवी और 5 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हब हादसे में जान बहक होने वालों की लाशें कराची पहुंचा दी गई। लाशें ईडी सरखाने सौराब रोड में मुंतकिल। जान बहक अफराद में एक पुलिस एहलकार भी शामिल।
लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की भरमार से परवाजों की आमदोरफ मुतासिर, कई परवाजों का रुख मुतबादल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। पेरिस से लाहौर आने वाली EPIA परवाज की सियालकोट एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, मदीना और मिलान से आने वाली परवाजों का रुख मुल्तान और जद्दा से आने वाली परवाज 7320 का रुख फैसलाबाद मोड़ा गया। लाहौर से रवाना होने वाली 12 से ज्यादा परवाजें 3 घंटे तक ताखीर का शिकार रही। तीन दिन की बारिशों के बाद बादलों की आज छुट्टी, लाहौर में धूप निकल आई। कई मकामात पर खड़े बारिश के पानी को निकाल दिया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम के द्राफ में बारिशी पानी अब भी मौजूद। खिलाड़ियों, मुलाजमीन और कोचेस को स्टेडियम पहुंचने में मुश्किलात का सामना। बारिश रवा हफ्ते भी रंग जमाएगी, महकमे मौसमियात की पेशगोई। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का इम्कान। बारिशों के बाद दरियाए सिंध के तोनसा बैराज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। तोनसा बैराज से 2,39,511 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। पानी की सतह बुलंद होने से करीबी इलाकों के जेरे आब आने का खदशा। पीर को मैं पहले दिन ऑफिस आया था, मैंने इनसे बात की थी, चेयरमैन से भी, MD से भी, कि मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नए लोगों को नई सोच के साथ आगे आना चाहिए। टीम की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकता था किया। 30 जुलाई के बाद जिम्मेदारियाँ नहीं निभाऊंगा। PCB ने किसी और काम के लिए कहा तो हाजिर। अमरीका का पाक भारत करतारपुर राजधानी मनसूबे का खैर मकदम। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है, अमरीका ऐसे तमाम इकदाम की हौसला अफजाई करता है, पाक भारत मुजाकरात खुशाइंद है। आपको तस्वीरी रंग देने वाली नन्ही मुन्नी शक्लें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इमोजीज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोट अब्दुल मालिक में छत गिरने से माँ बाप और 5 बच्चों की हलाकत पर हर आंख अश्कबार। मलबे तले दबकर जान बहक होने वाले मियां बीवी और 5 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हब हादसे में जाँ बहक होने वालों की लाशें कराची पहुंचा दी गई। लाशें ईदी सरखाने सौराब गोट में मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की भरमार से परवाजों की आमदोरफ मुतासिर, कई परवाजों का रुख मुतबादल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। पेरिस से लाहौर आने वाली EPIA परवाज की सियालकोट एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, मदीना और मिलान से आने वाली परवाजों का रुख मुल्तान और जद्दा से आने वाली परवाज 7320 का रुख फैसलाबाद मोड़ा गया। लाहौर से रवाना होने वाली 12 से ज्यादा परवाजें 3 घंटे तक ताखीर का शिकार रही। तीन दिन की बारिशों के बाद बादलों की आज छुट्टी, लाहौर में धूप निकल आई। कई मकामात पर खड़े बारिश के पानी को निकाल दिया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम के द्राफ में बारिशी पानी अब भी मौजूद। खिलाड़ियों, मुलाजमीन और कोचेस को स्टेडियम पहुंचने में मुश्किलात का सामना। बारिश रवा हफ्ते भी रंग जमाएगी, महकमे मौसमियात की पेशगोई। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का इम्कान। बारिशों के बाद दरियाए सिंध के तोनसा बैराज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। तोनसा बैराज से 2,39,511 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। पानी की सतह बुलंद होने से करीबी इलाकों के जेरे आब आने का खदशा। पीर को मैं पहले दिन ऑफिस आया था, मैंने इनसे बात की थी, चेयरमैन से भी, MD से भी, कि मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नए लोगों को नई सोच के साथ आगे आना चाहिए। टीम की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकता था किया। 30 जुलाई के बाद जिम्मेदारियां